अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है बेटा? सेकंड ईयर आप लोग ठीक हैं बेटा? अच्छा बेटा, हम लोगों का आज लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले जो हमने 3 लेक्चर किए, लेक्चर नंबर 1 में हमने तारुफ कुरान और सूरह बकरा का तारुफ पढ़ा। लेक्चर नंबर 2 में बेटा हमने रकू नंबर 1 शुरू किया सूरह बकरा, ठीक है। हमने तर्जमा और तफसीर किया, आधा रुकू हमने पहले लेक्चर में किया था और आधा रुकू हमने दूसरे लेक्चर में किया था। तो आज हम इंशाल्लाह सूरह इस हफ्ते का ये आखिरी लेक्चर है और आज हम सूरह बकरा का रुकू नंबर 2 शुरू करते हैं, ठीक हो गया बेटा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من يقول جو یہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بالله اللہ پر وباليوم الآخر آخرت کے دن پر वामा वम भी मोमिनीन और वो ईमान लाने वाले नहीं। बेटा मैंने पिछले रकू में भी आपको बताया था कि सूरह बकरा के पहले रकू में मुत्तकीन की सफात आई हैं और साथ ही कुफार के बारे में, कुफर के बारे में अल्लाह ताला ने बताया, ठीक है। दोनों ग्रोहों के अंजाम का भी जिक्र है, यहाँ पे एक तीसरे ग्रोह का जिक्र आ रहा है। मैंने पिछले लेक्चर में भी इसका जिक्र किया था, मैं आपको ये इसकी पहले ट्रांसलेशन कम्प्लीट कर लूँ फिर मैं बताती हूँ वो कौन सा ग्रोह है। और लोगों में से बाज़ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और योम आखरत पर, वमा हुम भी मोमिनीन और वो ईमान लाने वाले नहीं हैं, ठीक है बेटा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, लोगों में से बाज़ ये कहते हैं कि हम ईमान रखते हैं अल्लाह पर और जो हमें आखरत पर, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। युखादिउनल्लाहा, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीन आमनु, और उनको धोखा देते हैं जो ईमान लाए, वमा यखदऊना, दर हकीकत वो नहीं धोखा देते, इल्ला मगर ये कि अनफुसहुम, अपने आप को, वमा यशऊरून, और वो उसका शऊर भी नहीं रखते, ठीक हो गया बेटा? और वो धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को, और वो दर हकीकत अपने सिवा किसी को धोखा नहीं देते, लेकिन उनको इस बात का शौक नहीं है। फी कुलूबिहिम मरज़ुन, फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में एक बीमारी है, एक मर्ज है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह ताला ने उनके उस मर्ज को बढ़ा दिया, ज्यादा कर दिया, फ़ज़ादहुमुल्लाहु, अल्लाह ने इजाफा कर दिया, अल्लाह ने ज्यादा कर दिया मरज़ा, उनका मर्ज, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, बीमा कानु यकज़िबून, इस सबब के वो झूठे हैं, वो झूठ बोलते हैं, उनके दिलों में बीमारी है, अल्लाह ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया, उनके लिए अजाब अलीम है, बहुत बड़ा दर्दनाक अजाब है, इसलिए कि वो झूठ बोलते हैं। वइज़ा क़ीला, जब कहा जाता है लहुम उनसे, ला तुफ़सिदू, तुम ना फसाद करो, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में, क़ालू, तो वो कहते हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, बेशक हम तो सिर्फ इसलाह करने वाले हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद बर्पा न करो, तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अला सुन रखो, इन्नहुम, बेशक यही लोग, हुमुल मुफसिदूना, फसाद करने वाले हैं, वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन वो इस बात का शऊर नहीं रखते, ठीक है बेटा? आज हम इसको गालिबन यहीं तक मुकम्मल कर पाएंगे, ठीक है? ये तकरीबन आधा रुकू, बल्कि आधे से भी कम बनता है, ठीक है? अच्छा जी, आप मुझे कि बता सकते हैं कि यहाँ पे किस ग्रोह का जिक्र है? मैंने पिछले रुकू में भी आपको जिक्र किया था, क्या बात मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे जिस ग्रोह का जिक्र है वो मुनाफिकीन का ग्रोह है, ठीक है? और मैंने आपको ये भी बताया, आप लोग जानते होंगे हमने फर्स्ट इलेक्टिव में भी ये बात पढ़ी थी कि हमने मुनाफ़िकत और उसका मानी मफहूम, उसकी इकसाम, उनका अंजाम, उनकी अलावात सब पढ़ा था, ठीक है? फर्स्ट ईयर कंपलसरी में भी हमने ये टॉपिक पढ़ा था और इलेक्टिव में भी पढ़ा था, ठीक? तो मुनाफ़िकत किसे कहते हैं? मुनाफ़िकत जो है वो नफ़ा का युनफिकु, नफ़क बोला जाता है सुरंग को, दो मुंह वाले को, आपको पता है सुरंग के दो मुंह होते हैं, अक्सर लोग जो है वो कैदी स्पेशली जो होते हैं वो भागने के लिए जो है वो सुरंग खोद लेते हैं, जिसका एक सिरा इधर होता है और दूसरा कहीं बाहर जाकर निकलता है, ठीक है? तो सुरंग,
दो मुंह वाली को, तो नफा का मुनाफकत भी, नफक भी उसी से निकला है, निफाक। तो निफाक किसे बोलते हैं? निफाक बोला जाता है बेटा, मुनाफकत किसको बोला जाता है? मुनाफकत से मुराद ये होती है कि जब इंसान के जाहिर और बातन में तजाद हो, ठीक है, इंसान के जाहिर और बातन में तवाजुन ना हो, ठीक है, और एक तजाद बरपा हो, यानी जाहिरन वो कुछ हो जबकि अंदर से कुछ हो, तो इसे मुनाफकत कहा जाता है। और इस्तलाही मानी अगर हम देखें तो इससे मुराद ये है कि ऐसा शख्स जो बजाहिर तो मुसलमान होता है लेकिन अंदर से वो, दिल से उसने इस्लाम का इकरार नहीं किया होता, उसको कबूल नहीं किया होता। तो ये मुनाफिकीन का भी जो ग्रोह है बेटा, ये मदीने में जाकर हमारा इससे पाला पड़ा। हिजरत मदीना से पहले ये ग्रोह मौजूद नहीं था, या काफिर थे या मोमिन थे, ठीक है, ये दो ग्रोह से हम वाकिफ थे। ये तीसरा ग्रोह है जिसने इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। क्यों? क्योंकि ये वो लोग थे ना जिन्होंने बज़ाहिर लिबादा ओढ़ लिया इस्लाम का, लेकिन क्या किया, और मुसलमानों की महफिलों में मौजूद होते थे, मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मौजूद होते थे, और सारी खबरें सारे राज भी हासिल करते थे, कुफार तक पहुंचाया करते थे, ठीक है। मक्का में या काफिर थे या मोमिनीन थे, जबकि मदीना आने के बाद यहाँ हमारा पाला पड़ा। आप जानते हैं कि रईसुल मुनाफिकीन किसे कहा जाता है? अब्दुल्ला बिन उबई सलूल को कहा जाता है। ये पहला मुनाफिक था, मुनाफकत का बानी था, मुनाफकत का आगाज इससे हुआ। आपको पता है ना, जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो ये मदीने का बादशाह बनने वाला था, इसकी ताज पोशी की रस्म होने वाली थी, ठीक है, और लेकिन मदीने के लोग तो आखिरी नबी के इंतजार में थे। जब उन्हें पता चला कि आखिरी नबी आ गए तो वो इससे हट कर नबी सल्लम की तरफ मतवजे हो गए। इसको ये बात बिल्कुल पसंद आई, इसने उस दिन से तहिया किया कि ये इसी दीन में घुस कर इसको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, यहाँ पर इनका हिस्सा बनकर इनकी राह में रोड़े टकाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुनाफ़िकत का बकायदा आगाज हुआ, ठीक है। और ये इस्लाम के खिलाफ साजिशों में हमें आगे आगे नजर आता है। आगे जैसे जैसे आप जाते जाएंगे, इनके करतूत आपके सामने खुलते चले जाएंगे, ठीक है। कोई मौका इन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का अपने हाथ से नहीं जाने दिया। यहाँ तक आपको समझ आ गया, मुनाफ़िकत किसे कहते हैं? नफ़क से है, फिर निफाक उससे है, और फिर निफाक से मुनाफ़िकत का लफ्ज़ है। इससे मिला मुनाफ़िकत वो अमल होता है जब इंसान के ज़ाहिर और बातन में तजाद हो तो उसे मुनाफ़िकत कहा जाता है, यानी ज़ाहिरन तो बहुत अच्छा बन रहा हो लेकिन अंदर से वो वैसा ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे इस्तलाह में क्या मुराद है? इससे इस्तलाह में इससे मुराद ये है कोई शख्स बज़ाहिर इस्लाम का इकरार करे लेकिन इस्लाम उसके अंदर तक ना उतरा हो। मुनाफ़िकीन की इकसाम कौन सी होती है बेटा? मुनाफ़िकीन की दो इकसाम होती है, ठीक है। पहले किस्म, एक एतकादी मुनाफिक होता है, कमली मुनाफिक होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक जो है ना वो एतकादी मुनाफिक है, माफी भी इसी के लिए नहीं है, ठीक है, और इसी की सजा अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाया? इन्नल मुनाफिकीन फी दरकि असफल मिनन नार, के बेशक मुनाफिकीन दोजख के सबसे निचले घड़े में होंगे, निश्चित कुफार से भी नीचे होंगे। क्यों? क्योंकि इनके अमाल ही ऐसे हैं। एतकादी मुनाफिक क्या होता है बेटा? जिसके अकीदे के अंदर, एतकाद के अंदर मुनाफकत होती है, यानी वो जानते बूझते हुए मुनाफकत इख्तियार करता है कि भाई मैंने बज़ाहिर तो इस दीन का, इन लोगों का हिस्सा रहना है लेकिन अंदर से मैं ऐसा नहीं हूँ, अंदर से मेरी जो मेरा इखलास है वो किसी और के लिए, मेरी मोहब्बतें किसी और के लिए, ठीक है। ऐसा शख्स एतकादी मुनाफिक कहलाता है और इसके लिए माफी नहीं है। एक होता है अमली मुनाफिक, बेटा ये वो होता है जो जुबान से इस्लाम का इकरार करता है और दिल से भी उसको कबूल करता है लेकिन प्रैक्टिकली यानी अमली तौर पर इतना कमजोर मुसलमान होता है कि कभी अच्छाई कर ली, कभी बुराई कर ली, ठीक है, कभी गुनाह कर लिया, कभी नेकी, जैसे देखें कभी नमाज पढ़ ली, कभी छोड़ दी। अब वो उसका कॉन्सेप्ट, उसका बिलीफ तो है नमाज के ऊपर, ठीक है, कि नमाज इस्लाम का रुकन है, लेकिन सुस्त मुसलमान है, काहिल मुसलमान है, अमली तौर पर कमजोर वाकई हुआ है। समझ आ गई आपको बात बेटा? ये तकादी मुनाफिक होता है जिसके अकीदे के अंदर मुनाफकत होती है, जिसकी नीयत भी यही होती है। अमली मुनाफिक, मुनाफिक की नीयत दुरुस्त होती है, ठीक है, होता वो भी देखिए मुनाफिक ही है लेकिन क्या है, यहाँ पर इसकी माफी फिर भी मुमकिन है अगर ये अपनी इस्लाह कर ले। क्या? कि अपनी ये जो अमली कमजोरी है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कमजोरियां ये जाहिर कर रहा है, कभी नमाज पढ़ ली, कभी छोड़ दी, कभी रोजा रख लिया, कभी नहीं पढ़ा, कभी साथ दे दिया ईमान वालों को, कभी नहीं, ऐसा नहीं करना, गुनाहों पर इसरार करते रहना, तो ये चीज भी उसको मुनाफकत के उसी दायरे में ले जाएगी। ये आहिस्ता आहिस्ता शख्स इसका अकीदा भी खराब हो जाएगा। तो इसको अमली तौर पे अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है, इस्लाह की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, मुनाफिकीन के जो दोनों ग्रहों की मिसाल है ये उसको हम आगे जाके करेंगे इंशाल्लाह अगले हिस्से में। अभी हम इस रुकू को जो है वो मुकम्मल करते हैं, देखते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
दोबारा हम इसकी तरफ आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो क्या निशानियां बयान की गई हैं। वमिनन नासी, ठीक है, और लोगों में से बाज ऐसे हैं। अच्छा, यहाँ तो आपको पता चल गया कि कुछ मुनाफ़िकत का भी जिक्र है, और आपको ये भी पता चल गया कि मुनाफ़िकत की इकसाम क्या होती हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ना मैं आपको एक बात और बताती हूँ, वो क्या है। वापस जाते हैं हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ, ठीक है बेटा, और वो क्या है जो इन लोगों की निशानियां बयान हुई, हम उसकी तरफ जाते हैं। ठीक हो गया, वो क्या है कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि अमल्ला और यौम आखिरत के पर ईमान है, गोया ये ईमान का दावा करते हैं लेकिन ईमान इनके अंदर नहीं उतरा। ठीक है, दावा इनका ईमान का, मैंने नासी मैं यकूल आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व हुम मुमिनीन। ठीक है, अगर हम इनकी पहली निशानी देखें तो वो क्या बयान हो रही है बेटा। अब आप ना इस तरह कीजिएगा कि पेपर पर या किताब के ऊपर ही ना इसको इस तरह कीजिएगा कि 1 2 3 कर लीजिएगा, ये मुनाफिकीन का तारुफ। मैंने नासी मैं यकूल, लोगों में से बाज ऐसे हैं, आप इसके ऊपर लिख लें कि लोगों का कौन सा ग्रोह यहाँ मुराद है। जो लोगों का ग्रोह यहाँ मुराद है वो मुनाफिकीन का ग्रोह है। ठीक है, और अब इसकी जो पहली सिफ्त बयान हो रही है, यानी इनकी जो पहली निशानी बयान हो रही है, मुनाफिकीन की अलामात जो बयान हो रही हैं, वो क्या हो रही हैं कि ईमान का दावा करते हैं। ये कहते हैं हम ईमान रखते हैं किस पर, अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, दर जबकि दर हकीकत ये नहीं रखते। ठीक है, ये ईमान लाने वाले ही नहीं, अगर ईमान लाने वाले होते तो इनका अमल भी दुरुस्त होता, ये ऐसे ना होते। ठीक है, अल्लाह ने इनके इसी इसके मुतल्लिक कहा है ना कि ये तो आपके पास आ आके झूठी सच्ची गवाहियां देते हैं, तो आपने इनकी गवाही का एतबार नहीं करना। ठीक है, और एक निशानी ये होगी कि ये ईमान के मुनकर हैं। दूसरी निशानी क्या बयान हो रही है, धोखा देना। युखादिउनल्लाह वल्लज़ीन आमनू, कि ये अल्लाह को और ईमान वालों को, अल्लाह को और मोमिनीन को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह क्या देखिये उसके जवाब में फरमा रहे, वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, ये अपने सिवा किसी को धोखा नहीं दे रहे। देखें बज़ाहिर ये समझते हैं कि ये नबी सल्लम की मजलिस में आके अपने ईमान के झूठे दावे कर देंगे, भाई हम तो अल्लाह के पर ईमान रखते हैं और रसूल सल्लम आपको तस्लीम करते हैं, और ये कि तीसरी बात अगर वो ये कहें कि हम जो है आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाले हैं, तो हकीकत में क्या है कि ये बिल्कुल भी ऐसा करने वाले नहीं होते, बल्कि ये फिर एक दफा मुनाफकाना रवैया जाहिर कर रहे होते हैं। इनकी नीयत बिल्कुल ऐसी नहीं होती, बल्कि इनकी नीयत ये होती है जिसको कुरान ने बयान किया, युखादिउन, वो धोखा देते हैं, वो अपनी चिकनी चौपड़ी बातों के जरिए से मुसलमानों को घेरने की कोशिश करते हैं। देखिए मुसलमानों को तो ऐसा कर सकते हैं कि अल्लाह के रसूल को नहीं कर सकते, अल्लाह को नहीं कर सकते, अल्लाह ने तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बाखबर कर देना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये हमेशा ऐसा करते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोशिशें बहुत की, वो सही जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि हम मुसलमानों के हामी मददगार हैं, हम तुम्हारे साथी हैं, जबकि हकीकत क्या है कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ अपनी आग में जल रहे हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि धोखा देते हैं अपने रवैये के जरिए से। ठीक है, हकीकत अल्लाह ने यहाँ इसके जवाब में बयान फरमा दी कि ये दर हकीकत अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या अल्लाह से ये कोई बात छुपा सकते हैं, क्या ये मुमकिन है, युखादिउनल्लाह, वो अल्लाह को धोखा दें। देखिए ये बात अल्लाह की आ रही है, लेकिन क्या है कि अल्लाह ताला ने बता दिया आगे कि ये नहीं धोखा दे सकते सिवाय अपने आप को, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अब अपने आप को किस सेंस में धोखा दे रहे हैं, ये बज़ाहिर समझ रहे हैं कि इन्होंने अल्लाह को धोखा दे दिया, ईमान वालों को बेवकूफ़ बना दिया, ऐसा नहीं है। अल्लाह जानता है, और अल्लाह ने हर वक्त हर मौका आने पर इनका जो बातिन था वो खोल के मोमिनीन और नबी सल्लम के सामने रख दिया, तो हकीकत में इन्हें वामा ये शोरून, इनको शोर ही नहीं है। क्या अल्लाह को धोखा दिया जा सकता है, नौज़ बिल्लाह अगर हम देना चाहें या कोई और शख्स, ऐसा मुमकिन है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, फिर अल्लाह समीउ बसीर कैसे हुआ, अल्लाह तो इनके हर फेल को देखने वाला था, देख रहे, अल्लाह को तो छुपी जाहिर हर बात का इल्म है, तो ये मुमकिन है नहीं है कि नहीं है कि ये अल्लाह को धोखा दे सकें। ठीक है, अल्लाह ने इनको इनका इनका इनका, इनका ये बातिन खोल के रख दिया कि ये नहीं धोखा दे रहे सवाए अपनी जानों को, ये अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये आपको अक्सर क्वेश्चन में पूछी जाती है, फी कलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुम अल्लाहु मरज़ा। ठीक है, कि इनके दिलों में एक बीमारी है, अल्लाह ने इनकी बीमारी को बढ़ा दिया, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। अच्छा, ये आपसे ना बीमारी अक्सर पूछी जाती है कि मुनाफिकीन के दिलों में कौन सा मर्ज है, तो मुनाफिकीन के दिलों में कौन सा मर्ज हो सकता है बेटा, नफाक का मर्ज, मुनाफिकत का मर्ज है, जो कि क्या हो रहा है, अल्लाह ने उनके इस मर्ज को बढ़ा दिया। ठीक है, अब दिलों में ये मर्ज है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि इंसान के जिस्म में एक टुकड़ा है, जिस्म में गोश का लोथड़ा है, अगर वो सही हो जाए तो सारा जिस्म सही हो जाता है, अगर वो खराब हो जाए तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। अब देखिये इनके जिस्म का वही हिस्सा खराब है, कौन सा,
इनके दिल साफ नहीं है, इनके दिल मरीज हैं। तो नतीजतन क्या होता है, इनके सारा जिस्म उसी बीमारी को लेके चलता फिरता है और वो सारे अमाल वैसे ही करते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको बेटा यहाँ तक? ये क्या करते हैं, इनके दिलों में नफाक का, मुनाफकत का मर्ज है, और जब ये अपनी करतूतों से बाज नहीं आते तो फिर अल्लाह ने इनकी सजा क्या रखी है, अल्लाह ने इनके मर्ज को बढ़ा दिया है। इससे क्या मुराद है कि जब ये अपने अपनी चालों को देखते हैं और ये उनको बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हम तो कामयाब हो रहे हैं, ये अपनी मुनाफकत में और पुख्ता हो जाते हैं, इससे मुराद ये फ़ज़ादहुमुल्लाह मरज़ा, ये समझते हैं शायद हम ठीक हैं, तो गोया अल्लाह ने के मर्ज को बढ़ा दिया। और एक सूरत ये भी है बेटा जो मुफस्सरीन ने बयान की है, वो ये है कि जब ये देखते हैं कि मुसलमान हमें कामयाबी नहीं मिल रही, एक सूरत तो ये कि इन्हें कामयाबी मिल रही है, ठीक है, तो ये मुनाफकत में और पक्के हो जाते हैं। एक सूरत ये होती है कि जब ये देखते हैं जैसे जैसे मुसलमानों को कामयाबी हासिल हो रही है तो इनका हसद, कीना, बुग़्ज़, मुनाफकत और बढ़ जाती है, इनकी ये बीमारी और इसमें और इजाफा हो जाता है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत में, बुग़्ज़ में ये बढ़ जाते हैं। और तीसरी सूरत यह है कि इनका जो मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ गज़ब गुस्सा है उसमें इजाफा होता चला जाता है, और जो अल्लाह की याद का इनकार करना ये उस मर्ज में और शदीद हो जाते हैं। ठीक है, और अल्लाह ने इनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा हुआ, जो मैंने आपको पहले बताया अल्लाह ने इनके लिए कैसा अजाब तैयार कर रखा हुआ। मुनाफिकीन की सजा कुरान में क्या आती है, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल असफली मिनन नार। ठीक है, और यकीनन ये दोज़खीन जो है, ये जो मुनाफिक है ये दोज़ख़ के सबसे निचले घड़े में होंगे। ठीक है, इसी तरह एक और जगह पे आता है, बशीरिल मुनाफिकीन बि अन्न लहुम अज़ाबन अलीमा, और मुनाफिकीन को दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। ठीक है, और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से भी देखिए हमें इनकी बेशुमार निशानियां भी पता चलती हैं और मुनाफिक के बारे में इनका अंजाम भी पता चलता है कि क़यामत के रोज़ जिसकी यहाँ पे दो ज़ुबानें थी वहाँ भी दो ज़ुबानें होंगी। ठीक है, और ये दोज़ख़ के सबसे निचले घड़े में होंगे। और नबी सल्लम की क्या निशानियाँ बयान की, अच्छा ये अगली निशानी पे आते हैं ना, फिर हम इसको ज्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। और उनके लिए सारा अजाब क्यों है, बीमा कान यकज़िबून, चूंकि वो झूठ बोलते हैं। अब यहाँ पे मुनाफ़िकत की एक निशानी आ गई जिसका जिक्र हमें हदीस में भी मिलता है, नबी सल्लम ने क्या फरमाया कि मुनाफिक की तीन निशानियाँ हैं और बाद जगह पे चार निशानियाँ भी आती हैं। तीन निशानियों का जब जिक्र आता है तो उससे उसमें एक तो यह है कि जब इजहादा सकजावा, जब बात करता है तो झूठ बोलता है, वैसा वादा अखलाफा, जब वादा करता है तो खिलाफ वर्जी करता है, वैसा अमानता खलाफा, और जब इसके पास अमानत रखी जाती है तो उसमें खाना, सॉरी, तो वो खयानत करता है। तीन चीजें, तीन निशानियां बयान हुई हैं, और बाज़ रवायत में एक चौथी भी आती है, और वो ये है कि जब बात कर, जब झगड़ा करता है तो गाली बकता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक निशानी का जिक्र हमें आयत में भी मिल रहा है कि वो उनके लिए अजाब इसलिए क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। ठीक है, ये तो वो निशानी है जो नबी सल्लम ने भी हमें हदीस से बता दी कि जो मुनाफिक होगा वो झूठा जरूर होगा। ठीक, अच्छा जी, वह इज़ा क़ीला लहुम, और जब उनसे कहा जाता है ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़, ज़मीन में फसाद बरपा ना करो, कालू, वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, बेशक हम तो इस्लाह करने वाले हैं। और जब उनसे कहा जाता है ज़मीन में फसाद बरपा ना करो तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अच्छा, फसाद बरपा क्या करना, क्या है फसाद बरपा करना, यही है मुसलमानों को तंग करना, इंतशार फैलाना और अपनी मर्जी के काम करना जो मुसलमानों को जिसके जरिए नुकसान पहुंचता। अब इसकी बेटा बहुत सारी सूरतें, ठीक है, आला सुन रखो, इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून, यही फसाद करने वाले हैं, वाला किल्ला यशुरून, और वो इसका शऊर नहीं रखते। ठीक हो गया बेटा, यहाँ पे जो बात बयान हो रही है ना वो ये है कि ये दुनिया में फसाद बर्पा कर रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं, और ये इनकी आदत है। ठीक है, और जब इनसे कहा जाता है फसाद ना फैलाओ तो ये कहते हैं हम का फसाद फैला रहे हैं, हम तो इस्लाह करने वाले, ये कहाँ से इस्लाह करने वाले आगे। ठीक है, अब अगर हम माजी में देखें, तारीख में देखें, तो हमें बेशुमार मौके बेटा ऐसे नजर आते हैं जब मुनाफिकीन ने अपने शर के जरिए से इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मुसलमानों को बेसिकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, अब आपके पास ना कम से कम जिस तरह मैंने आपको हरूफ मुक़त्तआत ने बताया था कि चार से पांच वजाहतें जरूर होनी चाहिए कि हरूफ मुक़त्तआत से क्या मुराद है। ठीक है, मुफस्सरीन ने जो जो बताया, बहुत सारी आरा पाई जाती हैं, कम से कम आपको चार पांच आरा आनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से आपको मुनाफिकीन के शर के बारे में चार पांच सूरतें जरूर पता होनी चाहिए, सब आपकी किताब में दिए होंगे। ठीक है, एक तो ये कि वो दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, जमीन में फसाद बर्पा करते हैं। फसाद की सूरतें क्या है,
کہ شرعی احکامات کی پیروی نہیں کرتے، مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کو بے وقوف ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی نے اور اس کے ساتھی، یہ اچھی خاصی تعداد میں ہو گئے تھے بیٹا، انہوں نے ہر موقع پہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ غزوہ احد اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھا، تو اس موقع پر بھی اہم جنگ کے دوران جو ہے، جنگ شروع ہونے سے پہلے عبداللہ بن ابی سلول اپنے 1000 کا لشکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھی لے کر الگ ہو گیا۔ دیکھیں کل تعداد 1000 ہو تو 300 کی تعداد میٹر کرتی ہے، وہ اپنے 300 ساتھی لے کر الگ ہو گیا کہ چونکہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، آپ نے نوجوان صحابہ کی بات مانی، اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں۔ عین موقع پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انہوں نے ہر ہر موقع پہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ایک مسجد مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی خاطر علیحدہ سے ایک مسجد تعمیر کی تھی، مسجد ضرار، ضرار کے معنی ہوتے ہیں نقصان دینے والی، اس کا نام بھی دیکھیں بیٹا یہ کہ اس کا نام مسجد ضرار رکھا، اور جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسمار کر دیا، ڈھا دیا، چونکہ وہ مسجد کے مقاصد کو پورا نہیں کرتی تھی، وہ بیسیکلی مسلمانوں کو نقصان دینے کے تھی، اس لیے اس کو مسمار کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اما عائشہ پہ جب بہتان لگا تھا، ٹھیک ہے، تو حضرت بہت سارے صحابہ کرام بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ بیسیکلی کس کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا تھا، وہ کس کا بہتان تھا؟ وہ عبداللہ بن ابی کا تھا۔ آپ نے اگر اس واقعے کو پڑھنا ہونا تو 18ویں پارے میں سورہ نور میں آیت نمبر غالباً 11 سے لے کے 21 تک پہ وہ واقعہ سارا موجود ہے۔ واقعہ افق کہلاتا ہے، افق کے معنی ہوتے ہیں بہتان، جھوٹ، اس کا نام ہی اللہ نے یہ رکھا، اس کو یاد ہی ایسے کیا، ٹھیک ہے؟ اور ہتاشہ صدیقہ پہ اس نے بہتان لگایا تھا، بیسیکلی وہ بہتان اسی کا گھڑا ہوا تھا، لیکن اس کے پروپیگنڈے کی وجہ سے بعض معصوم صحابہ کرام بھی اس کا شکار ہو گئے تھے۔ تین صحابہ کا میں ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے، بہرحال انہوں نے بعد میں توبہ استغفار کر لی، لیکن منافقین کو آخرت کا عذاب سمیٹنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، ٹھیک ہے؟ بے شمار ایسے مواقع ہیں، اب اگر آپ ان لسٹ کریں تو دیکھیں وہ ہر جگہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پہ اپنے ساتھی لے کے الگ ہو گیا، اما عائشہ پہ بہتان لگایا، مسجد ضرار قائم کی تھی، اور ہر غزوے کے موقع پہ مسلمانوں کو تنگ کیا، ٹھیک ہے؟ اور جہاں بھی ان کو موقع ملتا تھا، یہ کفار مکہ کا ساتھ دیتے تھے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ صرف آج کے سبق پہ آپ نظر ڈالیں تو یہ کتنی نشانیاں آپ کے پاس آ جاتی ہیں بیٹا، آپ اسی کتاب کے پر آپ ان کو 1, 2, 3 بھی کر سکتے ہو۔ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہو میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو یہاں جو ہے وہ نمبر 1 لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور کہ یہ اللہ تعالیٰ یوم آخرت پہ ایمان رکھنے سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر آپ یہاں پہ کر سکتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح آپ کر سکتے ہو کہ اللہ نے ان کو مرض کو بڑھا دیا، اب آپ یہاں بتا سکتے ہو کہ ان کو بیسیکلی مرض کیا ہے، آپ بتا سکتے ہو کہ وہ نفاق کا مرض ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر آپ آگے آئیں تو بما کانوا یکذبون، وہ جھوٹ بولتے ہیں، اب یہ ان کی چوتھی نشانی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ زمین فساد درپا کرتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے۔ پانچ نشانیاں تو آپ کے پاس صرف اس ایک صفحے کے اوپر آ گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر اب آپ کرنا چاہو تو آپ اس طرح، یہ دیکھیں پہلی نشانی یہ آ گئی کہ اللہ اور یوم آخرت کے منکر ہیں، دوسری آ جائے گی اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تیسری آ جائے گی ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، چوتھی آپ کے پاس آ جائے گی یہ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پانچویں آ جائے گی یہ اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا کہتے ہیں حالانکہ یہ ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ اس کو یوں بنا سکتے ہیں فساد برپا کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کے لیے نا یہاں تک جو ہے وہ کچھ ہائی لائٹ کر دی تھی، ٹھیک ہے؟ ابھی تک جو آپ نے پڑھی ہے یہاں سے، وہ آپ نے کون سی پڑھی ہے؟ یہاں سے جو آپ نے پڑھی ہے بیٹا، وہ آپ نے ایمان کے منکر جو میں نے آپ کو بتائی پہلی ہو جائے گی، دھوکہ دہی جو ہے وہ ان کی دوسری صفت ہو جائے گی، دل کے مریضیں چوتھی ہو جائے گی، جھوٹ بولنا پانچویں چوتھی ہو جائے گی، اور فساد برپا کرنا زمین میں یہ پانچویں صفت ہو جائے گی۔ اس میں جسے جو سب سے زیادہ وضاحت طلب ہے جس کو آپ نے بیان کرنا ہے وہ بیٹا یہ دو ہیں، میں پھر آپ کی آسانی کے لیے ان کو بیان کر دیتی ہوں، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ آپ نے سلائڈس کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے، میں نے کوشچنز آپ کے یہیں سے بنانے ہیں جب میں نے آپ کا ٹیسٹ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب منافقین کی علامات نشانیاں تو آپ نے یاد رکھنی ہے، اس کے علاوہ بھی آگے آئیں گی، ٹھیک ہے؟ یہ صرف آج تک کے لیکچر کی میں نے بنائی تھی۔ دل کے مریض یعنی اللہ نے ان کے دل میں کیا مرض ہے، آپ کچھ اور مرض نہ لکھ دیجئے گا، اس سے مراد نفاق، منافقت، منافقت ہے ان کے دلوں میں، اللہ نے ان کے اس مرض کو اور بڑھا دیا۔ اس کے بعد دوسرا فساد برپا کرنا، فساد برپا کرنا بھی وضاحت طلب ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے فساد برپا کرنے کی 5-7 صورتیں ہیں، غزوہ احد میں
मुसलमानों को जो है वो इन्होंने मुसलमानों के लश्कर से अलहदगी इख्तियार कर ली, मस्जिद ज़रार तामीर करना जिसको ढा दिया गया, और उसके बाद तीसरी मआशा पे बोहतान लगाना, चौथा मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश करना। ठीक है, हर मौके पे धोखा देने की कोशिश करते थे, उनका ख्याल था कि हमारी बात नहीं पकड़ी जाएगी। ठीक हो गया, आज बस आप इस तरह कीजिए कि इस वाले को यहाँ तक अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट निकात आपने पहले तो ये दूसरे रकू में आने वाले ग्रोह को याद रखना कि ये मुनाफिकीन का ग्रोह है। ठीक है बेटा, उसके बाद आपने जो उनकी मुनाफिकत की सूरतें शक्लें आई हैं उसको याद रखना है। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और प्लीज साथ साथ याद करते जाइए। जजाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।